हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने टॉप 10 करंट अफेयर्स के सीरीज में। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे इंडिया स्टेट और इंटरनेशनली करंट अफेयर्स जून 2023 के बारे में। ओके, और ये उस क्वेश्चन के बारे में जो ज़्यादातर करंट के मुद्दे के साथ होते हैं, ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं और क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ओके, तो जुड़े रहिए और पूरा जरूर देखिएगा। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये 10 मिनट आपके लिए कहीं ना कहीं 10 लाख लोगों से आगे बढ़ा सकता है, यानी एक एक नंबर से भी आपको आगे बढ़ा सकता है। ओके, तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए और स्पेशली क्वेश्चन को समझिए। ओके, और करंट को समझने का प्रयास करिए ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे और जब पेपर में बैठें तो आप बिना सोचे लगा सके कि ये तो मैंने पढ़ा था यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट कंटिन्यू फॉर्म में आएंगे, कंटिन्यू फॉर्म में मंथली, हाफ ईयरली। तो काफ़ी दिन से करंट अफेयर्स बन रहा है और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है यहाँ पे। और साथ ही साथ CDP के और अदर जो टीचिंग जो सीरीज है या टीचिंग के मेथड है, टीचिंग के MCQs हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा, अब पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, कौन सा राज्य कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर विकसित करने के लिए तैयार है? ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले 5 बजे के न्यूज़ में, आज तक में ये आया हुआ था, तो इस पर काफ़ी विस्तार से बताया भी गया है। तो कौन सा राज्य कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर विकसित करने के लिए तैयार है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या छत्तीसगढ़? ओके, तो कौन सा राज्य है, याद रखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, जबकि ये किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, तो कौन सा राज्य कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर विकसित करने के लिए तैयार है? तो वो है उड़ीसा सरकार। ओके, उड़ीसा सरकार कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर विकसित करने के लिए तैयार है। तो उड़ीसा सरकार ने 2009 करोड़ रुपए के परिवर्तन के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया है। इस कोणार्क हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट प्लान के हिस्से के रूप में विरासत और स्मारकों को एकीकृत विकास और पर्यटन स्थल योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पनडुब्बी मिट्टी की ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में देखा गया है? याद रखिएगा, एक पनडुब्बी मिट्टी का ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में देखा गया है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, नॉर्वे या जापान? ओके, तो ये वो देश है जहां मध्य रात्रि का सूरज भी कहते हैं, यानी मध्य रात्रि में भी सूरज दिखाई देता है, वो कौन सा देश है? वो है नॉर्वे। ओके, तो एक पनडुब्बी कीचड़ ज्वालामुखी एक पानी के नीचे की भूगर्भीय संरचना है जो समुद्र तल से मीथेन जैसे गैस या तरल पदार्थों के लगातार निष्कासन के बाद बनाई गई है। मैंने पहले भी कहा था, EVS के क्वेश्चन के करंट मैक्सिमम बन रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देख लो, आप वीडियो देख लो, SSC देख लो, SSC CGL देख लो, तो जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो ज़्यादातर EVS के करंट अफेयर्स बन रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इस तरह से बनाए भी जाते हैं। ओके, तो एक पनडुब्बी कीचड़ ज्वालामुखी एक पानी के नीचे की भूगर्भीय संरचना है जो एक समुद्र से मीथेन जैसे गैस या तरल पदार्थों के लगातार निष्कासन के बाद बनाई गई थी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पेरेस्टर सागर के नॉर्वे के भालू द्वीप के करीब, या देखिएगा जगह कहाँ है, पेरेस्टर सागर, ओके, के नॉर्वे के भालू द्वीप के करीब एक पनडुब्बी मिट्टी की ज्वालामुखी को देखा है। भालू द्वीप नॉर्वेजियन स्वालबार्ड द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ओके, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सबके लिए इसको एलिब्रेट भी कर देता हूं ताकि आप समझ में आए कि इससे कहां कहां से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भालू द्वीप ये नॉर्वेजियन स्वालबोर्ड बार्ड का द्वीपीय समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। यहीं पे ये पनडुब्बी जो कीचड़ ज्वालामुखी है इस बनावट के साथ वो वहां पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल GPEI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओके, जो आज भी कारगर है और लगभग लगभग पोलियो को बिल्कुल एंड कर चुका है भारत से। तो ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल GPEI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988, 1998, 2008 या 2018? तो याद देखिए, ये है 1988 में की गई थी, जो आज भी कार्यरत है।
वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GPI इतिहास में सबसे बड़ा बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है। या देखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल कौन सी है। इसका स्थापना 1988 में हुई थी। हाल ही में कैमरून, चाड और नाइजर ने GPI के माध्यम से WHO के समर्थन से 2020 के बाद से अफ्रीका का सबसे बड़ा पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ओके याद रखिएगा 2020 के बाद से यानी 2023 चल रहा है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लगभग बहुत सारे देश पोलियो उन्मूलन के कगार पे पहुंच चुकी है। ओके तो कैमरून, चाड और नाइजर के GPI के माध्यम से WHO के समर्थन से याद रखिएगा उसके बाद से पोलियो का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। हाल ही में खोजी गई गोम्फोनेमा राजगुरु क्या है। ओके याद रखिए गोम्फोनेमा राजगुरु क्या है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक विज्ञान प्रतियोगिता है। ओके विज्ञान प्रगति उसमें इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से दिया जाता है। ओके और ऐसे लोग जो PCS UPSC की तैयारी करते हैं और खासकर SSC के अपर लेवल की तैयारी करते हैं वो इस तरह के पेपर जरूर पढ़ते हैं क्योंकि इससे बहुत ही बखूबी जानकारी मिलती है। ओके तो याद रखिएगा पेपर या जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं बहुत ही डिटेल बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इतना तो है कि आपका एक लाइक थोड़ा मोटिवेट जरूर कर देगा, तो जरूर करिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के बाद बनते हैं। ओके तो हाल ही में खोजी गई गोम्फोनेमा राजगुरु क्या है। सवाल है बैक्टीरिया है कवक है या वायरस है। तो ये याद रखिए ये है सवाल गोम्फोनेमा राजगुरु क्या है एक सवाल है। गोम्फोनेमा राजगुरु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला सवाल की एक नई खोजी गई प्रजाति है। याद रखिएगा ये ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला सवाल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला सवाल कौन सा है। तो वो है गोम्फोनेमा राजगुरु। इसका नाम एक अनुभवी भू पुरातत्विक दिवंगत प्रोफेसर SN राजगुरु के नाम से दिया गया है। याद देखिएगा SN राजगुरु के नाम से दिया गया है। गोम्फोनेमा राजगुरु एक मीठे पानी का डायटम प्रजाति है। खोज अद्वितीय है क्योंकि यह दो जीनस ग्रोफोनेमा और गोफेनिस की विशेषताओं को दर्शाता है। ओके नेक्स्ट किस संस्था ने कानूनी ढांचे के लिए मध्यस्थ सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। ओके किस संस्था ने कानूनी ढांचे के मध्यस्थ सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। RBI SEBI NPCI या IRDI। ओके तो किसने किया है ये चीजें तो याद देखिएगा SEBI ने। किसने किया SEBI ने। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन है पूंजी बाजार नियामक SEBI ने हाल ही में अपनी मध्यस्थ सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। यह समिति कानूनी ढांचे में बदलाव और स्टॉक ब्रोकरों समाशोधन सदस्यों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों जैसे बाजार मध्यस्थों की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में प्रदर्शित बढ़ाने में संबंधित मामलों पर सिफारिश प्रदान करने की जिम्मेदार है। ओके तो ये सारे काम इन्हीं के देखरेख में होता है। नेक्स्ट है किस संस्था ने हंगर हॉटस्पॉट अभी आपने कोई भी न्यूज चैनल देखा होगा तो इसके बारे में जरूर बात किया होगा। तो किस संस्था ने हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा पर प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट जारी की है। तो किसने ये रिपोर्ट जारी की है हंगर हॉटस्पॉट में विश्व बैंक IMF ने IMF WEF ने MAFO WFP ने या WHO AFAO ने। ओके तो किसने किया है तो याद रखिएगा ये किया है FAO WFP ने। ओके FAO WFP। तो हाल ही में हंगर हॉटस्पॉट FAO WEP प्रारंभिक चेतावनी पर तीव्र खाद्य असुरक्षा शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान और म्यांमार दुनिया के सबसे भूखमरी वाले हॉटस्पॉट में से हैं। याद देखिएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान और म्यांमार दुनिया के सबसे भूखमरी वाले हॉटस्पॉट में से है। तीव्र खाद्य सुरक्षा 22 देशों में से 18 क्षेत्रों के लिए परिमाण और गंभीरता से संभावित रूप से बढ़ सकती है। ओके नेक्स्ट किस केंद्रीय मंत्रालय ने समय समय पर श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने समय समय पर श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, MSME मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
तो ये है सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इन्होंने मिलकर काम किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि 2018 में सर्वे शुरू होने के बाद से भारतीय शहरों में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। ओके, यानी पुरुषों में बेरोजगारी दर 6% थी जबकि महिलाओं की 9.2% थी। ओके, यानी 2018 में, जो कि ये बहुत हद तक और भी बढ़ गई है। नेक्स्ट, उपभोक्ता नीति कोपोलका पर पूर्ण सत्र की मेजबानी किस संस्था ने की है? उपभोक्ता नीति कोपोलको पर पूर्ण सत्र की मेजबानी किस संस्था ने की है? संस्था ने, नेस्पॉम ने, BIS ने, PIBE या नीति आयोग ने? ओके, तो ये किया है BIS ने कोपोलका पर पूर्ण सत्र की मेजबानी। उपभोक्ता नीति पर 44वां पूर्ण सत्र, या देखिएगा उपभोक्ता नीति पर है ये 44 पूर्ण सत्र, मानक ब्यूरो BIS द्वारा आयोजित एक 4 दिवसीय कार्यक्रम है। ISO देशों ने SDGs के उद्देश्यों को अपने मानक कार्यक्रम में शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया। मानक मंथन क्वालिटी कनेक्टन जैसे BIS की पहल का उद्देश्य मानकीकरण में उपभोक्ताओं जुड़ाव को बढ़ाना है। ओके, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इससे जुड़ सके। नेक्स्ट, दुर्लभ रोग नीति को लागू करने के लिए किस संस्था ने एक समिति का गठन किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, BIS या IRDA? ओके, तो किस संस्था ने ये काम किया है? तो वह है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। किसने किया? दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा बनाई गई दुर्लभ रोग नीति को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह चिकित्सा समुदाय दुर्लभ बीमारियों के उपचारों के प्रदाताओं और सरकारी एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करेगा। ओके, यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए इस 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विकास मार्ग के रूप में जानी जाने वाली 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना शुरू की है? याद रखिएगा, किस देश ने विकास मार्ग के रूप में जानी जाने वाली 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना शुरू की है? इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात या इजराइल? तो वो है इराक। किसने किया है? इराक देश ने। तो इराक ने अपनी सड़क और रेल बुनियादी ढांचे को विकसित करके यूरोप को मध्य पूर्व से जोड़कर खुद को एक क्षेत्रीय परिवहन केंद्र में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना पेश की। एक बार पूरा हो जाने के बाद 17 बिलियन डॉलर की परियोजना, जिसे विकास मार्ग के रूप में जाना जाता है, देश की लंबाई तक फैलेगी, जो उत्तरी सीमा से 1200 किलोमीटर तक और तुर्किया से लेकर दक्षिण के खाड़ी तक फैलेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक एक बूंद से सागर भर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने सागर नुमा जानकारी से भर गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।